सभी दर्शकों को, मैं गुंजन जो कि बदमाशियाँ की पलक है उसका हाय। सर हमारे जो डायरेक्टर हैं वो फैशन फोटोग्राफर हैं, तो हमें लगा एक फ़ोटोशूट से बेहतर क्या होगा अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। किस तरह का फोटोशूट था आज? बहुत ही फैशनेबल था। हमारी ड्रेसेस आप देख सकते हैं, लाशा ने डिज़ाइन करी थी, जो कि हमारी कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट भी हैं फिल्म पर, तो हम पूरी फिल्म में बहुत अच्छे दिख रहे हैं, जितने आज अच्छे दिख रहे हैं। ऐसा क्या था कि यार फोटोशूट की रिक्वायरमेंट पड़ गई सर? इससे बेहतर गेट टुगेदर, प्रमोशन एंड सर का टैलेंट भी पता चलेगा, ही इज़ अ फैशन फोटोग्राफर। हम सब मस्ती कर रहे हैं, बदमाशियाँ कर रहे हैं, तो इससे बेटर मौका क्या होता है? आपके किरदार की बात करें, किस तरह किरदार है आपका? मैंने पलक का कैरेक्टर प्ले किया है, जो कि बहुत नॉर्मल लड़की है जिसे पैसा चाहिए, लव चाहिए, जॉब चाहिए, लेकिन एक ट्विस्ट है, एक बदमाशी है, जिसके लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। पांचों अलग से अलग नमूने हैं। अल्लाह, एक से एक नमूने। आप कॉमेडी करना कितना मुश्किल है सर? एक अच्छा डायरेक्टर और गुड स्क्रिप्ट आई थिंक बहुत ज़रूरी है कॉमेडी के लिए। शरीफ जी के साथ काम करके कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा। शारिब सर इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ और इतने टैलेंटेड इंसान हैं कि आई थिंक मतलब ऑनर है उनके साथ काम करने। मैं बहुत खुश हूँ सर, इससे अच्छा मेरे लिए नहीं हो सकता था। एक सॉन्ग सीन्स, आई थिंक बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छी कास्ट रही है। आई थिंक यू लव आ फिल्म। हम सब लोग इस बार तो प्रमोशन में ही सेलिब्रेट करें एक दूसरे के साथ, तो वैलेंटाइन एक साथ बीतेगा। बट सारे व्यूअर्स को वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे, एंड प्लीज़ 27 फेब को हमारी फिल्म देखिए एंड वैलेंटाइन उसके साथ मनाइए।